सॉरी स्टूडेंट, बीच में अपनी बंद हो गई थी वीडियो, तो हम वापस स्टार्ट करते हैं। वापस अपन ना क्या चल रहा था कि जो परिपथ में स्थायी या चालन व्यवस्थापन दोनों प्रकार की धाराएं विद्यमान हो सकती है, अतः मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में संशोधन किया तथा ये माना कि परिपथ में कुल धारा घनत्व चालन धारा घनत्व तथा विस्थापन धारा घनत्व के योग के समान होता है। विस्थापन धारा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है तथा चालन धारा या स्थायी धारा आवेशों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो अपनी इक्वेशन आई थी मैक्सवेल की, उसमें क्या किया था, संशोधन किया था। डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू क्या आया था अपना, जे आया था ना, उसमें संशोधन किया। क्या किया, उसमें ऐड कर दिया विस्थापन धारा घनत्व। ठीक है, जे डी को उसमें ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस इसका दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे। डाइवर्जेंस डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डाइवर्जेंस जे प्लस जे डी। ठीक है, अब वही किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम कर लेके उसका डाइवर्जेंस निकालते तो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो जो अपने राइट साइड में जो क्वांटिटी है वो भी जीरो के किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस डेल डॉट जे। ठीक है, और इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा फिर ये अपना, यहाँ से अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे डेल डॉट जे की, तो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, तो डेल डॉट जे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है, हमने मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से डेल डॉट डी की क्या होती है, रो, तो वो हम पुट कर देंगे, रो की जगह डेल डॉट डी पुट कर देंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, डाइवर्जेंस को बाहर निकाल देंगे, डेल डॉट डी को अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डाइवर्जेंस है तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जे डी की वैल्यू क्या आ गई, डेल डॉट डी अपॉन डेल डी। ये समीकरण विस्थापन धारा घनत्व जे डी का मान बताती है। ठीक है, तो इसमें इसको किस में रख देंगे, जे डी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ओके, ये क्या हो गई अपनी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर डी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस ई डेल ई अपॉन डेल टी। ओके, थैंक यू।